हमारी दोस्ती ठुकरा दी, वो हमारा दुश्मन, सिर्फ दुश्मन होता है। जा, जाकर कह दे अपने बदनसीब राजा से कि वो खून रेजी नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी चिता खुद सजा ले, क्योंकि मुल्तान में उसे जलाने वाला भी कोई नसीब नहीं होगा। नहीं खबर, खुदा का एक बंदा दोस्ती जैसी नायाब दौलत की कदर करता है, और खासकर वो जो गाजी के खिताब से नवाजा गया हो। यकीनन हम गाजी हैं औलिया हजरत, और गाजी अपने इरादे नहीं बदलते। बेशक नहीं बदलते, लेकिन कम से कम एक बार मुल्तान के बादशाह का पैगाम तो सुन लेते, शायद जंग की बिना ही फतेह हासिल हो जाती। सोमनाथ की कृपा से आप अपने अभियान में सफल होंगे और सबका नेतृत्व करते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। एक शुभ समाचार है, हम अवश्य सुनना चाहेंगे। गुर्जर गौरव, रजवाड़ा के राजा सुशांत सिंह ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। धन्य हो गुर्जर, ये सब आपकी कूटनीतियों का परिणाम। संपूर्ण सौराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान के राजाओं का समर्थन भी अब हमारे साथ है। राजा अजयपाल को जब ये ज्ञात होगा कि उनकी मुल्तान की रक्षा के लिए हमने इतनी विशाल सेना तैयार की है, तो उनका मनोबल और बढ़ जाएगा। सचमुच ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। भगवान सोमनाथ की दया से हम इतनी विशाल सेना तैयार करने में सफल हुए, ताकि हम उस महमूद गजनवी को मुल्तान पहुंचने से पहले ही रोकने में सक्षम रहे। महाराज, मुल्तान नरेश का संदेश आया। कुशल तो है, क्या संदेश भेजा है राजा अजयपाल? समय आने पर स्वयं हो जाएगा। बस नियति के संकेतों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करती है। ये भगवान, क्या हमें सोमनाथ मंदिर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है? कैसी बातें कर रही है?
शांत राजकुमार, कुछ नहीं हुआ है राजकुमारी शोभा, मैं सपना देखा है, चिंतित ना हो पुत्री, ये सब भगवान सोमनाथ तुम्हें भविष्य का आभास कराने के लिए। सर रघु प्रभु, हमने ऐसा सपना दूसरी बार देखा है, हमें बताइए हमारे सोमनाथ महल पर कोई संकट आने वाला है? नहीं पुत्री, अभी बताना उचित नहीं, धैर्य रखो, भविष्य के कर्म में जो कुछ का ज्ञान घटित होने से पहले तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सर वगे प्रभु, फिर बताइए इस समय हमें क्या करना चाहिए? अभी तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो समय नहीं आया, नियति घटनाएं और दुर्घटनाएं निर्धारित कर, और यही विधि का विधान है, समय आने पर नियति तुम्हें स्वयं प्रेरित करेगी, इसलिए भविष्य की चिंता त्याग कर तुम अपना ध्यान ग्रामवासियों की ओर केंद्रित करो, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम सर्वज्ञ गुरु, अभी अभी समाचार मिला है कि मुल्तान जाते समय गजनवी ने हाजोली ग्राम में लूटपाट के बाद वहां की स्त्रियां बूढ़े बच्चों और युवकों को मौत के घाट उतार दिया है, आसपास के हर गांव में त्राही त्राही मची हुई है, गांव की सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। प्रभु हमें तुरंत वहां पर जाना चाहिए, उपरन ग्रामवासियों की देखरेख कौन करेगा? राजकुमार, आप सबने हम लोगों की बहुत सहायता की है, अब हमारी चिंता छोड़ दीजिए, इस समय खाजोली ग्राम आपकी राह देख रहा है, उस दुष्ट ने बहुत विनाश किया है वहाँ। हमारे विचार से हमें शीघ्र ही खाजोली गांव जाना है। जी सर वज्ञ प्रभु, चलिए राजकुमार। मुल्तान के ग्राम में अहंकारी लुटेरे ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, वहां के राजा अजय पाल ने रक्षा करना तो दूर, सांत्वना देने भी नहीं पहुंचा। सर्वज्ञ प्रभु, इसका उत्तर तो तुम्हें महाराज अजय पाल ही दे सकते हैं। गजनी के शहंशाह सुल्तान अमीर महमूद गजनवी का मुल्तान में हार्दिक स्वागत है। आइए राजा जयपाल, बाखुदा हम आपकी मेहमान नवाजी से खुश हुए। सुल्तान, आपके ख्वाबों की मंजिल तो सोमनाथ है, इस तवील सफर में खून खराबा करना मुनासिब नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह आपके लश्कर के जानो माल का नुकसान होगा, बेहतर यही है आप अजय पाल की दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को थाम लीजिए, इस दोस्ती से आपको दोहरा फायदा होगा, एक तरफ आपके खजाने में इजाफा होगा और दूसरी ओर यही अजय पाल आपको सोमनाथ मंदिर तक ले जाने में मददगार साबित होगा। अच्छा, यानी कि हम सोमनाथ तक इसकी जी, बस फिलहाल आपको इतना ही करना है, जब अजय पाल आपका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़े अपनी नफरत और गुस्से को दफन करके उसे गले लगा दीजिए, बस यूं समझ लीजिए,
किया कि उसके नजर से उसी लम्हे आपने मुल्तान पर फतेह कर दिया। नहीं राजा जयपाल, हार हार की निशानी होती है। नहीं राजा जयपाल, हार हार की निशानी होती है। दोस्ती का इजहार यूं करते हैं। सुल्तान, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करके हमें धन्य कर दिया। राजा जयपाल, खुदा जानता है कि हम हिंदुस्तान के जिस जिस रियासत में दाखिल हुए हैं वहां के राजाओं से दोस्ती के लिए हमेशा ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन अफसोस वहां के सरबराह हमें समझने में भूल करते रहे। यकीन कीजिए, हमारी शमशीर दुश्मनों के लिए अपने खून से तर तो जरूर नजर आएगी, लेकिन दोस्ती के लिए हम खुद को निसार कर देते हैं। सुल्तान, आपके विचारों ने हमें अभिभूत कर दिया। शुक्रिया मेरे अजीज, लेकिन ये तो फरमाइए कि आप अपने वजीरों और मुल्तान की शख्सियतों से हमारा तर्रुफ नहीं कराएंगे? अवश्य अवश्य सुल्तान। हमारे मंत्रियों के अतिरिक्त मुल्तान के धनवान व्यवसायी भी आपसे मिलने को उत्सुक है, आइए। यह है हमारे मुल्तान के जगत सेठ। हमारे राज्य का आधा राजस्व इन्हीं से हमें प्राप्त होता है। यह है सेठ मगन, हीरे मोती के व्यापारी। यकीन मानिए, दौलत से हमें कतई मोहब्बत नहीं, क्या करूं, इसकी जगमगाहट मुझे बेचैन कर देती है। सुल्तान, सुल्तान, आप कुशल तो हैं? हाँ, नहीं वो, और राजा जयपाल, आपका दीवाने खास तो वाकई खास है। इजाजत हो तो करीब से इसकी बारीक नक्काशी के नजारे का लुत्फ उठा लूं। अवश्य सुल्तान, आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं, आइए। सम्राट, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, जब आसपास के सभी राजाओं ने मिलकर मुल्तान नरेश की सहायता के लिए अपनी सहमति दे दी, और जब सभी राजा मुल्तान की और अपनी सेनाओं के साथ कूच करने ही वाले थे, तब हमें पता चलता है कि मुल्तान नरेश ने उस निशंस गजनवी के साथ संधि कर ली। वरिष्ठ नरेश, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि गजनवी ने अपने विचार बदल लिए हो, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी कि राजा अजयपाल और महमूद गजनवी के बीच संधि मुल्तान के पहुंचे हुए फकीर औलिया अली के कारण ही संभव हुई है। इसीलिए मेरी दृष्टि में राजा अजयपाल का निर्णय बहुत ही उचित है, इसमें जरूरी कोई बड़ा मकसद है। भगवान करे आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो, परंतु जहां तक हमारा अनुभव कहता है, ऐसे लोभी लुटेरे ना तो अपनी मानसिकता बदलते हैं और ना ही अपना उद्देश्य, और वो भी मोहम्मद गजनवी जैसे जिसका पहला और अंतिम उद्देश्य हत्या लूटपाट के साथ साथ सोमनाथ महल के अपार धन को प्राप्त करना, ऐसा व्यक्ति संधि करे असंभव हमें विश्वास। महमूद गजनवी के बारे में दद्दा चालुक्य के जो विचार हैं उससे हम भी सहमत हैं, इसलिए हमें शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। पत्रकार, ऐसे में हम कर भी कह सकते हैं, यदि आप सब सहमत हो तो हमें राजा अजयपाल मोहम्मद गजनवी के बारे में अपना दृष्टिकोण बता देना चाहिए। बात तो ठीक है गुर्जर कौरव, परंतु यदि हम इतनी बड़ी सेना लेकर वहां जाएंगे तो कहीं महमूद गजनवी ये ना समझ बैठे कि हम उस पर आक्रमण करने आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में मुल्तान नरेश संकट में पड़ सकते हैं। तब तो सम्राट, यदि आप सबकी सहमति हो हम मुल्तान अकेले जाएंगे। उम्दा किस्म का खाली सोना है, हम खुश हुए। सोने की सही परख आप जैसा जौहरी कर सकता है सुल्तान। हम जौहरी तो नहीं राजा जयपाल, लेकिन फनकार और उसकी कारीगरी को समझने की सलाहियत जरूर रखते हैं। इस खूबसूरत फनकारी को देखकर खुद को तारीफ करने से रोक नहीं सकते। सुल्तान, यदि आप मुल्तान के शिल्पकारों की स्वर्णकारी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे यहाँ का सूर्य मंदिर अवश्य देखना चाहिए। सूर्य मंदिर यानी सूरज का मंदिर? अच्छा, आपके यहाँ सूरज का भी मंदिर होता है? अरे वाह, माशाल्लाह। सुल्तान, सोने को कुंदन बनाकर हमारे शिल्पियों ने सूर्य मंदिर को अद्भुत गरिमा प्रदान कर दी। यानी पूरा मंदिर सोने का है? हमें मालूम होता कि आपको सोने से बनी वस्तु कला में इतनी रुचि है तो अवश्य वहां ले जाते, परंतु आप तो यहाँ कुछ ही पलों के लिए। नहीं नहीं राजा जयपाल, हम आपकी मेहमान नवाजी से बेपनाह मुतासिर हैं। बखुदा, यहाँ कुछ दिन और ठहरने का जी चाहता है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अतिथि हमारे यहाँ भगवान समान माना जाता है सुल्तान। जर्रा नवाजी है आपकी, लेकिन ये बताइए इस सूरज वाले मंदिर के साथ साथ और भी मंदिरों में ऐसी ही सोने से बनी हुई फनकारी देखने को मिलेगी? अवश्य सुल्तान, यदि आपको हमारे यहाँ के मंदिरों के दर्शन की इच्छा है तो हमारे वरिष्ठ मंत्री वेदांत सिंह आपको मुल्तान के प्रसिद्ध मंदिरों का अवलोकन करा सकते हैं। वेदांत जी, हमारे अतिथि माननीय सुल्तान अमीर महमूद गजनवी को सूर्य मंदिर ले जाने की व्यवस्था की जाए और आप हर समय सुल्तान के साथ उपस्थित रहें। जो आज्ञा महाराज।